बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं फ़िश फ्राई करने वाली हूँ। इसके लिए हमने लिया है 400 ग्राम्स फ़िश है, और हल्दी में हमने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर है, स्वाद अनुसार हमने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून हमने लिया है लहसुन अदरक के पेस्ट। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख पा रहे हैं इसे इतने अच्छे कोटिंग हो चुके हैं। अब मैं इसे 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रख दे रही हूँ। इस तरह से ढक के मैं इसे 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रखने जा रही हूँ। इसे मैं फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखूंगी, इसके बाद फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, या आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ये देखिए, फ़िश को हमने मैरिनेशन के लिए फ्रिज में 1/2 आवर के लिए रख दिया था। अब वो अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। ये देखिए, फ़िश फ्राई के लिए हमने जो है इसे फ्राई पैन में तेल गर्म कर लिया है, और तेल जो है आप अच्छे से गर्म करें वरना वो सड़ जाएंगे इसमें। मैं एक ही करके फिश डालती जा रही हूँ। मैं फिश को डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक साइड होने में अभी मिनिमम 1 मिनट लगेंगे। ये देखिए, हमारे फिश जो है एक साइड से हल्के से सिक चुके हैं अच्छे से। मैं इसे टर्न कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे कलर आ चुके हैं। अब दूसरी साइड भी मैं इसे अच्छे से ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, नेक्स्ट दूसरी साइड भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर ले रही हूँ। आप देख पा रहे हैं पूरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, हमारे फिश जो है बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। आप इसके कलर देख पा रहे होंगे कितने अच्छे कलर आए हैं, और इसे बनाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगे हैं। जस्ट मैरिनेशन के लिए मैंने इसे 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रखा था, उसके बाद मैंने इसे फ्राई कर दिया है। फ्राई करने में मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में। आप इसे घर पे बना के ज़रूर एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।